एनआईए की टीम एक विस्फोट की जांच के लिए पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले के भूपति नगर पहुंची थी, जहां उन पर हमला हुआ। एनआईए द्वारा वीडियो जारी किया गया, जिसमें देखा जा सकता है कि कुछ सुरक्षा बल के जवान भीड़ से बात कर रहे हैं और टीम को सुरक्षा दे रहे हैं। भीड़ ने टीम की गाड़ी को घेर लिया और गाड़ी के सामने सड़क पर बैठकर धरना प्रदर्शन करने लगे। एक दूसरे वीडियो में देखा गया कि एनआईए की टीम की गाड़ी पर पत्थर भी फेंके गए, जिसमें गाड़ी का शीशा टूटा हुआ देखा जा सकता है। इस घटना के सामने आने के बाद बीजेपी ने राज्य सरकार पर हमला तेज कर दिया है। भाजपा ने इसे कानून व्यवस्था का मामला बताते हुए ममता बनर्जी की सरकार पर सवाल किए। उन्होंने बताया कि हमारी मांग है कि इस मामले में सभी अधिकारियों को हटाया जाए। हमारी मांग इलेक्शन कमीशन से है कि जो 5 अफसरान इसमें सीधा सीधा जिनका रोल है, जो ओसी हैं भूपति नगर के, वो एसडीपीओ जो हैं कौंटाई के, जो पुलिस सुपर है पूर्व बिंदीपुर के, और जो एडीजी कानून व्यवस्था है और प्रदेश के डीजी, आप पांचों को हटाओ। आप यदि बड़कों को नहीं हटाओगे तो ये छोटे छोटे को हटा के कुछ नहीं होता है। यदि एडीजी या डीजी के तरफ से हिदायत होता तो ऐसा हो ही नहीं सकता था। ये बड़े अफसर पुलिस के वर्दी तो पहने हैं, ऊपर से तृणमूल का जर्सी पहने बैठे हैं। वही पश्चिम बंगाल की भाजपा महासचिव अग्निमित्रा पॉल ने भी इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आज जो कुछ हुआ है उस पर ममता बनर्जी की जवाबदेही बनती है। आज भूपति नगर में जो हुआ, वहाँ पर वो बोल रहे, एक टाइम वो बोले थे कि महिला लोग निकल के आइए, ईडी और सीबीआई को अगर देखते हैं तो घर से हाथा खुंती लाठी मोटी जो भी मिलता है वो लेकर आक्रमण करिए सेंट्रल एजेंसी को। आज जो हुआ है उसका दाय ममता बनर्जी को लेना पड़ेगा, और संदेश खाली में भी जो हुआ था उसका भी दाय ममता बनर्जी को लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सरकार है ये गुंडे के ऊपर जीते हैं। आज संदेश खाली का जो गुंडा शेख शाहजहां, जो आज 360 करोड़ों का ड्रग्स का बिजनेस करते हैं, सारा इलीगल काम करते हैं, उसका 70-30 का फंडिंग कहां पर जाता है ये बंगाल के लोगों को मालूम है। इसीलिए वेस्ट बंगाल असेंबली में खड़े होकर हमारे मुख्यमंत्री बोलते हैं शेख शाहजहां कुछ नहीं किए हैं। तो आज बहुत शर्मिंदगी हम लोग अनुभव कर रहे हैं कि आज हमारा सरकार को चला रहे ये सब गुंडा, और इसका दाय, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ममता बनर्जी, सिर्फ आपका, सिर्फ आपका है। पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री शशि पांजा ने कहा, समान आचार संहिता लगने के बाद केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसी कैसे भेज सकती है। ये भी इलेक्शन कमीशन में हम लोग गए थे, दिल्ली में पहले दिन चिट्ठी भी दिए थे, फिर सोमवार को टीम भी मिली थी कि ऐसा कैसे होता है कि अभी एमसीसी चल रहा है, इलेक्शन कमीशन पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके हाथों में है, तो सीबीआई ईडी एनआईए इनकम टैक्स, ये अगर पॉलिटिकल अस्त्र के तरह व्यवहार किया जा रहा है एक राजनीतिक दल द्वारा, बीजेपी द्वारा, ये हो कैसे सकता है। एमसीसी के चलते इलेक्शन कमीशन की परमिशन है, इलेक्शन कमीशन ने भेजा है तब तो अलग बात है, लेकिन ये तो अपने तरीके से चल रहे हैं और चल रहे हैं राजनीतिक, कुछ जब निर्देश मिलता है या उनको सिग्नल मिलता है। ये एकदम मान लीजिए उम्मीदवार को चेज करते हैं वो व्यस्त है, जो कैंडिडेट है वो व्यस्त है, अब हमारे वर्कर्स भी तो प्रचार में व्यस्त है, अब उनको उठाओ, ऐसा चुन चुन के जो बूथ और जो रस्ते, सब कुछ अच्छा है, बूथ को रस्ते को सेंसिटिव घोषणा करना, ये एक सनसनी एक परिवेश करना, बटालियन को उतारना, फ्लैग मार्च करना, ये क्या है, हम लोग क्या युद्ध में जा रहे हैं क्या? तो ये जो है लोगों के सामने इस भय और डर ये जो शुरू किए हैं, और खास तौर से तृणमूल कांग्रेस को और पश्चिम बंगाल को टारगेट करके सीबीआई ईडी एनआईए और इनकम टैक्स को उतार के, जिसका संगठन नहीं है, जिसके वोट नहीं मिलेंगे, वो इन सब के द्वारा सोचे अगर वोट मिल सके, ये पूरा राजनीतिक एजेंडा है। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बोलते हुए कहा है कि उन्होंने आधी रात में छापा क्यों मारा, क्या उनके पास पुलिस की अनुमति थी। स्थानीय लोगों ने उसी तरह प्रतिक्रिया व्यक्त की जैसे आधी रात को कोई अजनबी उस जगह पर आता तो होता। वे चुनाव से ठीक पहले लोगों को क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं, बीजेपी क्या सोचती है कि वे हर बूथ एजेंट को गिरफ्तार कर लेंगे,
एनआईए को क्या अधिकार है, ये सब बीजेपी को समर्थन देने के लिए कर रहे हैं। हम भाजपा के इस गंदी राजनीति के खिलाफ लड़ने का आह्वान करते हैं। आपको बता दें, करीब 2 महीने पहले ईडी की टीम संदेश खाली पहुंची थी, उस समय भी उन पर हमला हुआ था। ईडी की टीम तृणमूल कांग्रेस के नेता शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने पहुंची थी, जो अभी जेल के अंदर है।